ये फेस्टिवल सीजन में कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स ने लाया है अब तक की सबसे बेस्ट डील और ढेर सारे अशॉर्ट फ्री गिफ्ट्स। कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स को मुमरा में पिछले 11 सालों से एक ट्रिमेंडस रिस्पांस मिला है। कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स एक ही छत के नीचे मिलेंगे, फिर चाहे वो टीवी हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, माइक्रोवेव या फिर मोबाइल फोन, कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स पर सब मिलेगा। और हाँ, कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स में फाइनेंस भी अवेलेबल है। 0% डाउन पेमेंट पर आप अपने कोई भी मन चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स ले सकते हो। बेहतरीन ऑफर्स एंड फ्री गिफ्ट सिर्फ और सिर्फ आपको कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स में ही मिलेगा। तो एक बार जरूर स्टोर विजिट करें कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स, ओल्ड नशेमन कॉलोनी नियर बशीर मेहंदी वाला मुमरा। कल एक प्रेस न्यूज देखा मैंने, जिसमें राजन किनी के साथ रहने वाला मुबीन सुरवे मंदिर और मस्जिद के ऊपर एक विवादित बयान दे रहा हूँ। मैं आप लोगों के माध्यम से उस मुबीन सुरवे को जवाब देना चाहता हूँ कि जो बीजेपी की डगर है, जब कोई विकास के मुद्दे के ऊपर बात करे, जब कोई काम के मुद्दे पे बात करे, उससे भटकाने के लिए, राजनीतिक उथल पुथल पैदा करने के लिए, दो धर्मों के दरमियान टेढ़ निर्माण पैदा करने की जो साजिश करते हैं, ये वही एक तरीके से मुबीन सुरवे ने शुरू किया। मैंने उसका बयान सुना जिसमें वो एक तरीके से धमकी और चेतावनी दे रहा था, और कुछ ऐसे अल्फाज उसने इस्तेमाल कर लिया जो निंदनीय है। जैसा कि उसने कुछ अल्फाज ऐसा कहा कि मस्जिद या मंदिर लीगल थोड़ी होते हैं, और ये सब समझौते का मतलब एक समझौता है ये सब। यानी वो एक तरीके से ये कहना चाह रहा था कि अगर उसकी पार्टी को यहां पर अगर सही तरीके से प्रतिसाद नहीं मिला या लोगों ने उसका साथ नहीं दिए, तो जिस तरीके से और जगहों पर फसाद होते आया है, वो यहां पर वो करने का सोच रहा है। मेरी ये समझ है। मैं अभी भी ये कहना चाहता हूं मुबीन सुरवे को, मुझको पता है वो एक नशे में है, और जब वो होश में आ जाए तो उसको ये समझ लेना चाहिए कि इससे पहले भी तुमको है ना एक दो बार थप्पड़ पड़ चुके, और शहर का माहौल खराब करने के लिए हम किसी को भी इजाजत नहीं देंगे। ये जो इंपोर्टेड गुड़िया लेकर के बैठे रहते हैं ये लोग और उसकी धुन पे नाचते रहते हैं, तो भैया अगर आपको कुछ काम करना है आप काम करें, लेकिन अगर आपने शहर का माहौल खराब करने की कोशिश की तो आपको इस चीज के लिए छोड़ा नहीं जाएगा। आप जाओ, आप पुलिस स्टेशन जाओ, आप केस दाखिल कराओ, लेकिन अगर शहर का माहौल खराब होने लगा तो कहीं तुम्हारे ऊपर केस नहीं दाखिल हो जाए, और केस दाखिल होने के साथ साथ ऐसा ना हो कि तुमको मार भी पड़ जाए। ये बात का ध्यान रखना मुबीन सुरवे, और आइंदा इस शहर का माहौल खराब करने की कोशिश नहीं करना। वसीम भाई, इसके अलावा मुबीन सुरवे और आपके बीच में सोशल मीडिया में भी बहस छिड़ी हुई है, एक दूसरे के साथ आप लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं। देखिए, वो अपने होश में नहीं रहता, वो और उसके मुंह में वैसे ही मतलब वो पान वान गुटखा उटका खाकर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा था, और शाम में तो होश में रहने की उसकी आदत भी नहीं है, और वो गाली वाली भी दे रहा था, तो उसको ऐसा लगा कि उसके पास सत्ता है, उसके पास पावर है, तो कोई उसको जवाब नहीं देगा। लेकिन इतना बड़ा डरपोक है कि जब से उससे सवाल पूछ रहे तो छुप कर बैठा हुआ है। अगर वो आ करके हमारे सामने बात करे, लोगों से माफी मांग ले, तो एक बात अलग है। लेकिन अगर ये गलत फहमी में है कि यहाँ आकर कोई दादा के साथ मिलकर के दादागिरी करेगा तो बहुत चरपट्टे पड़ेंगे। मुबीन सुरवे ने जो बोला है तो उसके लिए आपकी मांग क्या है? आप बोले माफी मांग ले, तो क्या आप करना चाह रहे? नहीं, ये इसको, ये मुबीन सुरवे होता है कौन है? मस्जिद और मंदिर का लीगल स्टेटस चेक करने वाला। अरे जिसके पास काम पे है, जिसका पीआरओ बना घुमा हुआ, उसके बोर्ड के अंदर कितनी लीगल बिल्डिंगें बनी हुई, जा वो लीगल है कि लीगल 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 चेक कर। मंदिर मस्जिद ही दिख रही है देखो, जो काम के अंदर फुकड़िया से भाग कर चला गया था, रस्ते पे मार पड़ी है तेरे को औरतों के हाथ से, वो सब भूल गया है क्या? हमारे को बेवजह कोई भी बात बोलने के लिए लगा मत, और मुमरा का माहौल अच्छा खासा रहने दो। हम लोग बहुत जल्द डीसीपी साहब से मुलाकात करने वाले, और ऐसे लोग जो बाहर से यहाँ पर आ रहे
और शहर का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, इनके दाखिले की पाबंदी हम बात करेंगे। इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस में रीता रशीद ने कहा है कि जो एमए मौली का रोड है वहां पर जो जितेंद्र रावत का नाम लगा है। कौन है ये रीता रशीद? पहले सवाल सुनिए, गेट पर जो नाम लगा है जितेंद्र रावत का, उसको 8 दिन में अगर मनपा नहीं हटाती तो वो लोग खुद हटा देंगे। अरे ये लोखंड वाला से आने वाले वही है ये, वहां जाके काम करो ना, और यहाँ पे आके करने का तो बोल रहे क्यों, करके दिखाओ, चढ़ पाएंगे क्या अपने ऊपर फालतू नाटक करने का यहाँ पे आकर के, और जो करना है करो। ये आके उसके अंदर ये मंदिर मस्जिद का के लेकर आए, तुम करेंगे तो सामने वाली पार्टी वाले खामोश रहेंगे क्या, झगड़ा ही कराने का तुम्हारे को, कोई भी ऐसा कॉन्ट्रोवर्शियल लेकर आने का। छठ पूजा, अरे मुमरा में छठ पूजा नहीं होती थी पहले, यहां आई कॉन्ट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई। आ रही कोई ना कोई, या तो नवरात्रि के मंडल के अंदर जाकर के मगजमारी कर रही है, या तो बीजेपी के बैनर लगा कर रही है। कभी मोड़ा में नहीं लगता था, जबरदस्ती लगा के माहौल खराब कर रही है, कांवड़ यात्रा के अंदर जाकर के जबरदस्ती का माहौल खराब करिए। तो भैया आप अपना नाम कुछ और बता रहे और कर रहे कुछ और, ये सब चीजें जो है, और आपको जो करना करो, हमारे को उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर आपने लेटर दे दिए थे ना, 8 दिन में कार्रवाई नहीं होती, जब तुम जाके डायरेक्ट कर लो ना, ये खाली भपकी देना, गीदड़ भपकी देना और कुछ करना नहीं और शहर का माहौल खराब करना, ये नहीं चलने वाला ये बात।